जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय, आप देख रहे हो मेरा चैनल। आज के लिए मैंने एक नया टॉपिक लाया है, KDM TWS एयरबड्स का अनबॉक्सिंग एंड क्विक रिव्यू का। सो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये KDM का जो TWS है इसको मैंने हर एक सिचुएशन में टेस्ट किया है। सो ये मेरे जो रिक्वायरमेंट्स है उस पर खरा उतरा है कि नहीं देखते हैं, ठीक है। सो जब मैंने बॉक्स देखा, बॉक्स तो पहले से ब्रोकन था क्योंकि मैंने एक दुकान से शॉप से बाई किया है, मे बी उसने ऑलरेडी तोड़ दिया होगा, बट इट्स ओके, हमें प्रोडक्ट से मतलब है। वारंटी डेट उसने डाल के दी है क्योंकि 6 महीने की वारंटी मुझे मिली इसके साथ। सो चलिए ठीक है, अनबॉक्सिंग करते हैं। बॉक्स का वैसे तो TWS का नाम है हॉट पॉट्स, दिखता सेम टू सेम है अपने एप्पल के एयरपॉड्स जैसे। सो जब मैंने बॉक्स खोला सो उसके अंदर मुझे पहले ऊपर ही अपना TWS मिला, रैप्ड था पन्नी में। पन्नी उतार के मैंने फिर चेक किया कि उसके साथ साथ हमें बॉक्स में और क्या मिल रहा है। सो बॉक्स में था एक और बॉक्स काले कलर का, उसमें मुझे मिला जो किसी भी दूसरे TWS में मुझे नहीं मिला, वो था केस। सो केस तो बहुत अच्छी क्वालिटी की थी, बट केस के अंदर मुझे और चार्जिंग केबल भी मिला जो था लाइटनिंग पोर्ट वाला। सो केस की क्वालिटी तो बहुत ही अच्छी थी, मतलब डिजर्व करता है ये प्राइस पॉइंट को। एंड इसकी केबल क्वालिटी मुझे एवरेज लगी, बट एप्पल का पूरा फील आ रहा है इसके लाइटनिंग पोर्ट की वजह से। इसके साथ मुझे कुंडली भी मिली KDM की। केस क्वालिटी अच्छी थी, फिट भी अच्छी आ रही है जिसके आप देख पा रहे हो। इसकी हिंज क्वालिटी भी मुझे अच्छी लगी, अच्छे से ओपन क्लोज हो रहा था। और एक बात बताना चाहूँगा, इसके बड्स थोड़े से स्लिपरी है, सो शुरू में आपको थोड़ा सा तकलीफ होगी निकालने में, उसको अंदर बिठाने में, बट टाइम जैसे जाएगा वैसे आप उसको यूज़ टू हो जाओगे। इस पर पूरी इन्फॉर्मेशन दी है, जैसे कि टॉक टाइम इसका 6 घंटे है, म्यूज़िक टाइम 5 घंटे है, 2 घंटा चार्ज के लिए लेता है। सो सारी इन्फॉर्मेशन उस पर आपको मिलेगी, ये मैंने टेस्ट भी किया है, बताऊंगा आपको आगे जेन्युइन है या नहीं है। दूसरे साइड पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि केस की म्यूज़िक टाइम की लिमिट है 24 घंटे, और इसमें लाइटनिंग पोर्ट है, फिर वन टैप सेंसर भी है अवेलेबल, ये सारी इन्फॉर्मेशन बॉक्स पे दी है। सो मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि आफ्टर रिव्यू मेरा क्या एक्सपीरियंस है। इसकी हिंज की क्वालिटी मुझे जेन्युइन लगी, ओपन क्लोज करने में इजी था। स्पेशली इसके पोर्ट के बारे में बोलूँगा, पूरा का पूरा एप्पल का फील आ रहा है प्रीमियम लाइटनिंग पोर्ट की वजह से। और इसकी साउंड क्वालिटी भी बहुत तगड़ी है, बेस बहुत ही तगड़ा है, वोकल्स अच्छी तरह से सुनाई देते हैं हर एक सिचुएशन में, दिखने में भी स्टाइलिश है। इसको मैंने जिम में भी पूरी आवाज़ में, स्पीकर के आवाज़ के अंदर मैंने कान में सुना, फिर भी मुझे अच्छे से सुनाई दे रहा था। मेरा पूरा वर्कआउट खत्म होने तक मेरे कान से एक बार भी नहीं उतरा। इसकी फिटिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। वैसे तो इसको मैंने ऑफलाइन 1250 का लिया है, और ऑनलाइन ही आपको सस्ता मिलेगा, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, मज़ा आया, सो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।